हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निट्स बिट्स। आज हम मलाई केक बनाएंगे। बिना ओवन के हम ये केक बनाएंगे। एकदम सॉफ्ट और डिलीशियस बनी है हमारी केक। तो चलो देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। केक के लिए जो सामग्री चाहिए वो यह है कि 4 टेबलस्पून दूध, 1 कप मैदा, आधा कप चीनी, 1 कप दही, 1/3 कप ऑयल, सॉल्ट, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये सब हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 1/3 कप ऑयल और 1/3 कप दही को मिला लेंगे। फिर आधा कप चीनी ली है, ये पीसी हुई चीनी है, इसे भी हम छान लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये 1 कप मैदा लिया है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर इन सब को छान लेंगे। जब भी हम केक बनाए इन सभी सामग्री को छानना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी केक एयरी और स्पॉन्जी बनेगी। फिर दूध लेंगे, थोड़ा आधा दूध डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। जब भी हम केक का बैटर मिक्स करें एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे, बाकी का बचा हुआ दूध भी इसमें डालकर सबको मिक्स कर लेंगे। ये केक टिन लिया है मैंने, इसे मैंने ग्रीस करके रख लिया था, इसमें हम ये सारा बैटर डाल देंगे। साइड में मैंने नमक डालकर स्टीमर को गर्म होने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास ओवन है तो इसे आप ओवन में भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास कुकर है तो कुकर में भी ये बना सकते हैं, और ये मलाई केक को आप स्टीम भी कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद मेरी ये केक बन के तैयार है। अब हम रबड़ी बनाएंगे, इसके लिए मैंने पैन में 1/2 लीटर दूध लिया है और 3 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे। रबड़ी को बनने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। दूध थोड़ा सा कम हो चुका है, अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना भी डालें तो भी चलेगा। पंद्रह से 20 मिनट हो चुका है और दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। ये ठंडा होगा तो और भी ज़्यादा गाढ़ा होगा। फिर उसमें इलायची पाउडर और ये मैंने सेफ्रन फूड कलर लिया है, अगर आपके पास केसर है तो केसर भी डाल सकते हैं। और ये हमारी रबड़ी बन के तैयार है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। केक भी हमारा ठंडा हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, आप देखिए कितना स्पंज एकदम सॉफ्ट बना है। ऊपर से रबड़ी डालेंगे। और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, मैंने बादाम, काजू और पिस्ता लिया है। केक को हम काट लेंगे।
आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।